मैट्रिक रेशियोज़। अब रेशियोज़ मीन्स वी नो दैट इट इज़ ए ऑन बी और यू कैन से ए इज़ टू बी। ना हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़? बहुत ईजी है, एकदम ध्यान से और आराम आराम से देखो। सो लेट अस से ट्राइंगल ए बी सी, बी इज 90 डिग्री एंड वी नो दैट ऑपोजिट टू 90 डिग्री जो साइड है ए सी इज नोन एज हाइपोटेनस। इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट सी, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? पॉइंट सी से। सो वी डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, इजंट इट? तो एंगल का मेजरमेंट नहीं पता है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट एज थीटा। क्या कहते हैं इसे? थीटा। जैसे हम लोग अलजेब्रा में एक्स वाई जेड वेरिएबल्स लेते हैं फॉर अननोन नंबर्स, वैसे ही ज्योमेट्री में फॉर अननोन एंगल्स वी आर सपोज टू टेक थीटा। नाउ ऑपोजिट टू थीटा विच साइड इज देयर? ए बी। सो दिस इज योर ऑपोजिट साइड एंड द रिमेनिंग इज योर एडजेसेंट साइड। क्लियर? अब इसी में वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री बेसिक रेशियोज, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ओके, इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। व्हेन आई एम सेइंग साइन थीटा, अगर आप इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो और ये साइन थीटा है, सो इट विल बी ऑलवेज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो व्हाट इज ऑपोजिट साइड ओवर हियर? ए बी अपॉन ए सी। ये तुम्हारा पहला रेशियो आ गया। ओके, नाउ फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या लिखोगे? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? इज व्हाट? बी सी अपॉन ए सी। क्लियर? एंड फॉर टैन थीटा इट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ओके, अब थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे हम लोग इस टर्म को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। फॉर ऑपोजिट साइड इफ आई एम राइटिंग परपेंडिकुलर, फॉर एडजेसेंट साइड, ओके ये परपेंडिकुलर है, एंड फॉर एडजेसेंट साइड आई एम राइटिंग बेस, हाइपोटेनस विल रिमेन एज इट इज एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट सी। सो व्हाट यू विल से? देखो यहाँ पे साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा, सो टैन थीटा इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस। तो देखो दोनों हम लोग इस तरह से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। टैन थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड व्हाट इज साइन थीटा? पी अपॉन एच, एंड कॉस थीटा इज व्हाट? बी अपॉन एच, एच इज गेट कैंसिल, पी अपॉन बी। क्लियर? अब मैंने ये जानबूझ के परपेंडिकुलर को लिया है, बेस को बी लिया है, हाइपोटेनस को एच लिया है, उसके पीछे का रीज़न है, ध्यान से सुनो, इससे आपको याद रहेगा। सो लेट अस राइट द इनिशियल्स। ओके, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, बी स्टैंड्स फॉर बेस, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, पी स्टैंड्स फॉर अगेन परपेंडिकुलर एंड बी स्टैंड्स फॉर द बेस। और ये एस सी एंड टी, गेस किया तुमने बराबर, दिस इज़ फॉर साइन, दिस इज़ फॉर कॉस एंड दिस इज़ फॉर टैन। अब इसे याद रखने का तरीका देखो क्या बता रहा हूँ मैं, राइमिंग है, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान बर्बाद पूरा, हिंदुस्तान हरा भरा, सेज क्लास टीचर। सो तुम्हारे पास राइमिंग आ गया पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। सो साइन इज व्हाट? पी अपॉन एच, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, कॉस इज बी अपॉन एच एंड टैन इज पी अपॉन बी। तो इस तरह से तुम रेशियोज को याद कर सकते हैं। चलो एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है पहले, सो दिस इज ट्राइंगल,
angle A, B, C, this is 90 degree. So we know that AC will be what? Hypotenuse. And let us say you are observing from point C. So AB will be what? Okay, मैं भी इसको P लिख रहा हूँ. And जो remaining है वो क्या है? B. That is base. अब मुझे ratios लिखने हैं फटाफट. Sin theta का ratio लिखना है, cos theta का ratio लिखना है और tan theta का ratio लिखना है. So अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पाकिस्तान बर्बाद पूरा, हिंदुस्तान हरा भरा, सीज क्लास टीचर. तो साइन इज़ वॉट? पी अपॉन एच. कॉस इज वॉट? इधर देखो, हाँ, बी अपॉन एच. एंड टेन इज़ वॉट? पी अपॉन बी. ओके, तो फटाफट आप इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे. वॉट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हियर? ए बी. एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी. देन बेस इज़ वॉट? बी सी. एंड हाइपोटेन्यूस अगेन ए सी. एंड फॉर टेन थीटा इट विल बी ए बी अपॉन बी सी. क्लियर? अब एक और ट्राइंगल लेते हैं, ध्यान से देखो. मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा भी अलग बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो 90 डिग्री दिखेगा. ओके, पे अटेंशन. थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, पहली बार कर रहे हो, बार बार इस वीडियो को देखोगे. तो एंगल ए इज वॉट? 90 डिग्री. सो वी नो दैट बी सी विल बी वॉट? हाइपोटेन्यूस. क्लियर? नाउ लेट अस से यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट बी. तो इसको मैंने नाम दे दिया टीटा. क्या नाम दिया? टीटा. अब टीटा है, टीटा के सामने ए सी विल बी वॉट? परपेंडिकुलर. गुड. क्या है? परपेंडिकुलर. और जो बच गया वो क्या है? बेस. सो फटाफट रेशियोज बताओ. वॉट विल बी साइन टीटा? विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए सी अपॉन बी सी, है ना. देन कॉस टीटा विल बी कम ऑन बेस अपॉन हाइपोटेनस. याद नहीं है तो ये याद रखो, पंडित पाकिस्तान बर्बाद पूरा, हिंदुस्तान हरा भरा, सी इज क्लास टीचर. तो सी इज वॉट? बी अपॉन एच. बी इज किसको नाम दिया हमने? ए बी को. एच विल रिमेन एज इट इज. एंड देन फाइनल इज टैन टीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज ए सी अपॉन ए बी. क्लियर? नाउ एक थोड़ा सा चेंज इसमें करते हैं. लेट अस ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट सी. कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? पॉइंट सी से. सो यू कैन राइट इट एज 90 माइनस टीटा. अब देखो, तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 180 आएगा, दैट इज एंगल्स. अदरवाइज कुछ टीचर्स आपको यहाँ पे बीटा भी लिखने बोलेंगे, या गामा, या जो भी साइंस के जो साइंटिफिक नेम्स है वो आप यूज़ कर सकते हो. सो लेट अस से साइन 90 माइनस टीटा. देन कॉस, ध्यान से सुनना, 90 माइनस टीटा. अब ये 90 माइनस टीटा इज नथिंग बट हमारा जो देखने का जो एंगल था वो चेंज करके देखा है आपने. पहले क्या था? टीटा था. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट सी. प्रीवियसली यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट बी. अभी कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? सी से. द मोमेंट यू आर गोइंग टू चेंज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आपका जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा. सो नाउ इन दिस केस ए बी विल बी परपेंडिकुलर एंड ए सी विल बी बेस. समझ में आई बात? वापस देखो, आपने सी से ऑब्जर्व किया है तो सी का ऑपोजिट साइड इज ए बी, दैट इज परपेंडिकुलर. Hypotenuse will never change and the remaining side is base. So again, same principle you are supposed to use. Perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse and perpendicular upon base. Now, name it. For sine 90 minus theta, perpendicular is what? AB and hypotenuse is what? BC. For cos 90 minus theta, base is what? AC, good, and hypotenuse is BC. And for tan 90 minus theta, perpendicular is what? AB and base is AC. ये देखो, समझ में? तो ये है theta का observation और ये है 90 minus theta का observation. Done. बस इतना ही है हम लोग.